तो यो व्हाट्सअप गाइस, यार कैसे हो आप लोग मेरे भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ही टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने यार मेरे को टॉपिक दिया और भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई विदाउट हेयर वैक्स, विदाउट हेयर जेल, विदाउट हेयर ड्रायर मेरे को हेयर्स खड़े करने, भाई कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरे भाई इस वीडियो में भाई आपको क्लियर कर देने वाला हूँ सब कुछ। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। स्किप देख करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। ना मैं स्किप करूँगा वीडियो को, ना आप करना। तो भाई यार वीडियो में जो भी करूँगा लाइव प्रूफ करूंगा। और भाई आपको यार 10 रुपए में आपको करके दिखाऊंगा आपके हेयर्स में भाई, बिग वॉल्यूम ला के दिखाऊंगा। तो भाई यार आज की वीडियो में भाई कोई भी हेयर ड्रायर यूज नहीं करने वाले। आज की वीडियो में यूज करने वाले भाई पॉन्ड्स का पाउडर यूज करने वाले। इससे भाई आपको जो वॉल्यूम मिलेगा भाई आप भी बोलोगे जहर है भाई। तो भाई यार वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी भाई अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। मैंने बहुत सारी बातें बता रखी आपके भाई, सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो भाई यार वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई। सबसे पहले यार वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यार आपको और आपके परिवार को भाई हैप्पी दिवाली। दिवाली है भाई, आ रही है भाई, एडवांस में हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ क्योंकि भाई उस टाइम पे पता नहीं वीडियो आए या ना आए भाई, कोई पता नहीं है भाई। अभी वीडियो डाल रहा हूँ तो भाई एक दो दिन में यार वीडियो बनानी भी पड़ती है और भाई एडिट भी करनी पड़ती है। तो गाइस यार सब कुछ आपके लिए करता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भाई वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और भाई चलते हैं और भाई देखते हैं कैसे मैंने किया है, क्या क्या चीज़ का मैंने यूज़ किया है। तो गाइस यार मैं आज आपको बता दूं भाई, मैंने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। मैंने भाई बिल्कुल आसान तरीका बताया आपको भाई, ये चीज़ आप ट्राई करो और भाई बहुत अच्छे आपके हेयर्स हो जाएंगे। तो गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और भाई सबसे पहले मैं अपने हेयर वॉश करके आता हूँ और आगे आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है। सो गाइस यार मैं अपने हेयर वॉश करके आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो गाइस यार सबसे पहले यार अपने को टॉवल ड्राई करना है, जल्दी से टॉवल ड्राई करते हो और आगे आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई टॉवल ड्राई करते हैं जल्दी से अपने हेयर्स को और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है और भाई मैंने ये कैसे किया है। तो गाइस यार जल्दी से टॉवल ड्राई करते हैं। तो मेरे भाई मैंने टॉवल ड्राई कर लिया और मेरे भाई ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपके भाई हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं रहना चाहिए। अगर वाटर रहेगा तो भाई आपके हेयर्स उतने अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से आपको टॉवल ड्राई करना और भाई देख सकते हो कितने ड्राई ड्राई मेरे हेयर्स लग रहे हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई आपको हेयर सेट कैसे कर सकते हो। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको भाई ऑयल यूज़ करना नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई ऑयल यूज़ करोगे तो आपका भाई हेयर सेट नहीं होंगे, क्योंकि मेरे भाई ये अलग तरीका है और तरीकों से मैंने पहले वाली वीडियो बना रखी है। अगर आपको ऑयल लगाना है और शाइनी लुक चाहिए तो भाई वो पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर भाई ये वीडियो देखनी है तो इसमें आपको ऑयल अप्लाई नहीं करना है। तो मेरे भाई मेरे टॉवल ड्राई हो चुके हैं हेयर्स। तो भाई अब मैं करने वाला हूँ भाई सबसे मेन चीज़ और भाई एक ही चीज़ इसमें बताने वाला हूँ जो कि मैं आपको थंबनेल में बता चुका हूँ, जो कि है हमारे पास कहाँ गया ये रहा भाई। क्या ही भाई क्या रिजल्ट मिला भाई, मैंने सोचा नहीं था इतना तगड़ा रिजल्ट मिल जाएगा और भाई आप सोच भी नहीं सकते भाई। मैं इसको खोलता हूँ। अरे भाई खुल जा यार, किधर खुलेगा, खुल गया। तो भाई यार ये खुल चुका और भाई अभी मैं देख सकते हो मेरे हेयर में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और भाई देखो यार क्या सीन है भाई क्या ही। तो भाई यार थोड़ा सा लेते हैं अपने हेयर्स में लगाने के लिए। मेरे भाई ज़्यादा नहीं लेना आपको, अगर ज़्यादा लोगे तो भाई आपके हेयर्स भाई वाइट वाइट दिखने लग जाएंगे। तो मेरे भाई ज़्यादा आपको नहीं लेना आपके हेयर्स के लिए। तो भाई यार देख सकते हो थोड़ा सा मैंने लिया है और भाई देखते लगा के यो हानी सिंह। तो भाई यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने हेयर्स में। तो गाइस यार अभी मैं कॉम का यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको फिर से लगा के दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने अच्छे से नहीं लगाया है, क्योंकि भाई थोड़ा सा एक बार अपने हेयर्स को पहले सेट करना पड़ेगा कॉम से। यार आप नॉर्मल कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यार रोलर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस यार आप कोई से भी कॉम का यूज़ कर सकते हो। तो एक बार भाई अपने हेयर्स को भाई सीधा कर लेते हैं। सो गाइस यार मैं अपने हेयर्स को भाई सेट कर रहा हूँ पहले इधर की साइड और फिर हम करने वाले हैं फिर से पाउडर का यूज़ करने वाला। तो कोई भाई तो गाइस यार मैं सेट कर लेता हूँ पहले अपने हेयर्स को। तो मेरे भाई मेरे हेयर्स इधर की साइड सेट हो चुके हैं। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, आपको आप भाई पाउडर का यूज़ नहीं करना है अभी। तो भाई पहले 5 से 10 मिनट आपके हेयर्स को भाई ऐसे ही रहने देना है। और भाई आपके अगर इधर ऐसे हेयर आ रहे हैं तो भाई इसको ऐसे कर लेना आपको। अगर इसके जगह भाई आप
कोई भी हेयर बैंड का यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई हेयर बैंड का यूज करोगे तो उससे आपके भी फायदा होने वाला है, तो भाई कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो या फिर हेयर बैंड का यूज कर सकते हो। तो मेरे भाई पहले बात तो मेरे तो हेयर्स आते नहीं क्योंकि मैं ये ट्रिक आजमाता रहता हूँ। तो मेरे भाई एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे भाई ये चीज़ मैं आपको अगर नहीं बताऊँगा तो भाई आप कमेंट में पक्का लिख के जाओगे कि मैं भाई हमारे तो नहीं हो रहे। तो मेरे भाई ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई अगर आप पहली बार करोगे तो आपका एक बार में नहीं होगा। मेरे भाई कोई भी चीज़ आपको एक बार में करने पर नहीं होगी, अगर आप 5 से 6 दिन लगातार इसको ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप अभी एक दिन में यार 1 घंटे में आप करना चाहोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ भाई। अगर आपके हेयर्स भाई इधर की साइड ही रहते हो और फिर आप खड़ा करने चाहते हो तो भाई आपको 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। 4 से 5 दिन आपको करना क्या है, आपके हेयर्स को भाई अपोजिट डायरेक्शन में करना है। अगर आपके हेयर्स बिखर भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके हेयर्स को भाई अपोजिट डायरेक्शन में आपको करना है, जिससे होगा कि आपके हेयर्स में भाई अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो भाई आपके हेयर्स अच्छे से खड़े हो पाएंगे। तो मेरे भाई इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ये चीज़ कोई भी वीडियो में नहीं बताता हूँ, मैं भाई स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई ये चीज़ आपको पता होगी। बट भाई कमेंट में मैं बता देता हूँ, जो भी भाई कमेंट करते हैं मेरे को मैं उसका रिप्लाई ये चीज़ का दे देता हूँ। तो मेरे भाई अभी देख सकते हो मेरे हेयर्स में भाई थोड़ा बहुत पानी और बच रखा है, थोड़े गीले गीले हो रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा होने दो इसको और फिर दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो मेरे भाई यार शायद हो गया होगा भाई अभी तक। तो गाइस यार थोड़ा सा मेरे हेयर सेट हो चुके हैं। तो गाइस यार अब मैं करने वाला हूँ पाउडर का यूज। तो मेरे भाई आप देख सकते हो आप ओके जुदा हम, अबे गिर जा भाई, अरे भाई साहब। तो मेरे भाई मैंने अच्छे से पाउडर अपने हेयर्स में लगा लिया है। तो भाई यार आप देखना भाई, अब रिजल्ट की बारी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भाई यार अभी मैं अपने पाउडर को भाई थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब भाई आपको सीधी डायरेक्शन में आपके हेयर्स को करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, अब देख सकते हो आप। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको होल्ड मिल चुका है। अगर मेरे भाई अब मैं आपको खड़ा करके दिखाऊं कोम की सहायता से, तो वो आपके भाई वो भी अच्छे से खड़े हो जाएंगे। अभी मेरे को दिख रहा होगा भाई, मेरे को भी दिख रहा है, थोड़ा बिखरे बिखरे लग रहे हैं, बट भाई आपको वॉल्यूम अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हेयर्स में भाई, कितना अच्छा वॉल्यूम आ चुका है भाई। थोड़े से पीछे वाले हेयर्स जो है बिखरे पड़े हैं, क्योंकि भाई पीछे वाले हेयर्स अच्छे से सेट नहीं हुए हैं। तो गाइस यार कोम का यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो मेरे भाई जब भी कोम का यूज आप करो तो आपको करना क्या है, जैसे आपके हेयर्स में भाई इस साइड है तो इस साइड के हेयर्स को ऐसे रोल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ भाई। आप देख सकते हो भाई मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ भाई, एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, कोई भी नहीं समझाता यार। इस बात के लिए लाइक कर देना अपने भाई की वीडियो को। तो भाई यार 1 सेकेंड में भाई आपको इतना अच्छा होल्ड मिलने वाला है अपने हेयर्स में भाई, इतना अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ 0 रुपये में। तो भाई यार इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो भाई यार पाउडर सबके घर में मिल जाता है, तो भाई यार अभी देखना आप। मेरे भाई आप बोलो भाई, जो बंदे बोल रहे थे भाई नहीं होगा नहीं होगा, वो भाई पहले वाले भी कमेंट करके जा रहे थे, आप बोलो भाई नहीं होगा भाई। कोई भी ड्रायर का यूज़ नहीं किया, किसी भी तरह की चीज़ का मैंने यूज़ नहीं किया, किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है भाई, पाउडर से आपको करके दिखाया हूँ यार। आप बोलो, आप मत बोल देना भाई नहीं होगा। अगर अभी भी नहीं होगा ना तो भाई आपका कभी भी नहीं होगा, मैं बोल के दे रहा हूँ भाई, कोई भी आपके नहीं कर सकता हेयर खड़े। और भाई आप मेरे हेयर्स की लेंथ देख सकते हो, 1 मिनट मैं आपको अपने हेयर्स की लेंथ दिखाता हूँ। तो मेरे भाई देख सकते हो कितने आगे तक मेरे हेयर्स आ रहे भाई, इतने बड़े बड़े आपको हेयर्स खड़े करके दिखा रहा हूँ भाई। छोटे छोटे हेयर्स होंगे तो भाई और भी अच्छे से खड़े हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है भाई। पहले कैसे थे मेरे हेयर्स भाई, अगर मैं आपको देखो हाथ फेर रहा हूँ अपने बालों में तो भाई क्या सीन हो रहा है। हाथ फेर रहा हूँ तो भाई आपके बाल अधर अधर दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। अगर भाई अगर ये ट्रिक आप नहीं यूज़ करते हो तो भाई आपके बाल कुछ ऐसे दिखेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको।
भाई अभी आपने ट्रिक यूज कर लिया, फिर भी आपको आपके बालों में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम अभी भी दिख रहा है। मैंने बिल्कुल चिपका रहा हूँ फिर भी नहीं चिपक रहे हैं, क्योंकि भाई आपको इतना अच्छा होल्ड मिल चुका है पाउडर से। भाई आप भाई सोच भी नहीं सकते, आपकी हेयर वैक्स भी फैल हो जाएगी। भाई हेयर वैक्स भले ही आपके हेयर्स को डैमेज करे, पर ये चीज़ आपके हेयर्स को भी डैमेज नहीं करेगी। तो मैं भाई आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस यार अभी देखो मैं नॉर्मल कॉम से करके दिखा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ नॉर्मल कॉम से कर रहा हूँ। बाद में मत बोल देना भाई आप ये कर दिए वो कर दिए, भाई कुछ भी नहीं करता हूँ मैं यार, स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो भाई आप भी स्किप मत करना यार, वीडियो को एंड तक देखा करो। मेरे भाई आप देखो भाई कितना अच्छे से भाई हेयर सेट हो चुके हैं। और भाई मैं आपको ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे आपके हेयर्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम अगर अभी नहीं दिख रहा है आपको, मेरे को भाई कैमरे में यार इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल अच्छे से दिख जाए, तो भाई आपको बता दूँ, आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ मैं आपको। अगर भाई आपके हेयर्स भाई अभी सेट नहीं हो रहे, तो भाई आपके हेयर्स में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो भाई आपके हेयर्स अभी सेट नहीं होंगे, आपका बिल्कुल भी पानी सूख जाएगा ना, बिल्कुल भी आपके हेयर्स में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो भाई आपके हेयर्स भाई आप अपने आप देखो भाई आपके हेयर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिखेगा। तो मेरे भाई अभी देख सकते हो मेरे हेयर्स में भाई वॉल्यूम, देख सकते हो आपको भाई कितना क्लोज से दिखा रहा हूँ भाई, कितने अच्छे से दिखा रहा हूँ भाई। आपको यार कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, मेरे भाई आपका भाई आपको ये चीज़ बताता है। तो भाई इस चीज़ के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर भाई आपको स्मार्ट बनना है और भाई ऐसी स्मार्ट चीज़ों के लिए भाई आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, भाई वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भाई लाइक मत करना भाई, कोई ज़रूरी नहीं है यार आप लाइक करो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको अच्छी लगी है तो ही लाइक करना, वरना लाइक मत करना। तो मेरे भाई यार आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा वॉल्यूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तो भाई बैकग्राउंड वगैरह को इग्नोर मारो भाई, आपको भाई आम खाने पेड़ नहीं गिनने। तो मेरे भाई आप देख सकते हो यार जो भी दिखाया लाइव प्रूफ दिखाया, कोई भी वीडियो मैंने स्किप नहीं किया। तो भाई यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।